नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन है और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आइए आज के लेसन में देखें गिटार कॉर्ड्स और स्ट्रमिंग पैटर्न। फिल्म वक्त से ये गीत है, ए मेरी जोहरा जबी। इसी ओरिजिनली गाया था मुन्ना दे साहब ने, म्यूजिक रवि साहब का था और लिरिक्स साहिर लुधियानवी जी का था। गाना एफ शार्प माइनर में है और मैं बीट्स को कायम रखने के लिए बार कॉर्ड जरूर यूज करूंगा, लेकिन अगर चाहें तो केपो को सेकंड फ्रेट पे लगा के ई माइनर में बजा सकते हैं। मैं बजाते वक्त आपको बार कॉर्ड्स और ओपन कॉर्ड्स दोनों दिखाऊंगा। गाने के स्केल और कॉर्ड प्रोग्रेशन में कुछ खास बातें हैं और इस पर भी हम लेसन के अंदर चर्चा जरूर करेंगे। हमेशा की तरह गाने के लिरिक्स और कॉर्ड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और आज का लेसन में साथ देंगे प्रदीप शिवशरण जी। तो आइए देखें ए मेरी जोहरा जबी। देखें गाने में कौन कौन से कॉर्ड्स हैं। गाना एफ शार्प माइनर में है तो सबसे पहला कॉर्ड एफ शार्प माइनर, इसके अलावा ई मेजर, डी मेजर, ए मेजर, आप चाहें तो यहां भी बजा सकते हैं। इसके अलावा बी मेजर भी है, एफ शार्प मेजर भी है और सी शार्प सेवन, आप चाहें तो यहां बजा लें और आप चाहें तो यहां भी बजा सकते हैं जैसे मैंने बजाया है। और अगर आप ओपन कॉर्ड्स बजाना चाहें तो केपो सेकंड फ्रेट पे लगाएं और एफ शार्प माइनर की जगह ई माइनर बजाएं, तो एफ शार्प माइनर की जगह ई माइनर, ई मेजर की जगह डी मेजर, डी मेजर की जगह सी मेजर, ए मेजर की जगह जी मेजर, एफ शार्प मेजर की जगह ई मेजर और इसके अलावा सी शार्प सेवन की जगह बी सेवन, आप चाहें तो यहां पर बी मेजर भी बजा सकते हैं। आइए स्ट्रमिंग पैटर्न भी देख लें। ओपन कॉर्ड में वही पैटर्न है, तो आइए गाने के स्केल और कॉर्ड प्रोग्रेशन के बारे में भी कुछ चर्चा करें। गाना जो है राग पीलू पर बेस्ड है और पीलू राग पर बनाए गए जितने भी गाने होते हैं वो अक्सर माइनर और मेजर स्केल में खेल जरूर करते हैं। तो इस गाने में भी जो है हम माइनर स्केल से शुरुआत करते हैं और वही स्केल आपका होम स्केल है, लेकिन हम जब मुखड़े से अंतरे की तरफ जाते हैं तो ये मेजर स्केल की ओर चला जाता है। तो इसलिए आपने देखा होगा गाना जो है एफ शार्प माइनर से शुरू होता है और बीच में एफ शार्प मेजर की ओर चला जाता है और फिर वापस माइनर की ओर चला जाता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि स्केल में शुद्ध गा और कोमल गा दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कई जगह हमने सी शार्प सेवंथ कॉर्ड यूज किया है,
आप चाहें तो वहाँ पर सी शार्प मेजर भी यूज़ कर सकते हैं। जनरली जो माइनर स्केल में गाने बने होते हैं उनमें नेचुरल माइनर और हार्मोनिक माइनर दोनों का खेल होता है, इसलिए जो है नी शुद्ध और नी कोमल दोनों का प्रयोग किया जाता है। जब आपका नी शुद्ध प्रोमिनेंट होता है तो वहाँ आप देखेंगे हमेशा जो सेवन्थ नोट है, जो कि इस केस में ई नोट था, उस पर एक मेजर कॉर्ड यूज़ किया जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा गाने में ई मेजर कॉर्ड भी है और सी शार्प मेजर कॉर्ड भी है। और जैसा कि मैंने कहा, आप चाहें तो सेवन्थ कॉर्ड की जगह सीधा मेजर कॉर्ड ही बजा सकते हैं, क्योंकि सेवन्थ कॉर्ड जो है बेसिकली मेजर कॉर्ड के ऊपर एक चौथा नोट ऐड कर देता है और कॉर्ड को थोड़ा सा रिच कर देता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेसन पसंद आया। हमेशा की तरह अपने कॉमेंट्स और फीडबैक मुझे भेजें, मैं जवाब देने की जरूर कोशिश करूँगा। तो अगले लेसन तक फिर मिलते हैं, शुक्रिया। Thank you.